यार तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया, मतलब ये चीज तो मुझे एकदम समझ में आ गया कि शायद तुम्हारे ऊपर भी ये पेरेंट्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है, शायद तुम्हारे ऊपर भी एग्जामिनेशन का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। ये कॉमन हो गया है कि 17 दिन बाद ये हुआ, और शायद तुम भी सिलेक्शन को सोच सोच के अपना 100% एफिशिएंसी पढ़ाई में नहीं लगा पा रहे हो। और हमारे देश में बच्चों की कोचिंग से ज्यादा जरूरी है पेरेंट्स की कोचिंग करना कि हो जाएगा ना सिलेक्शन। सबसे ज्यादा टॉन्टिंग रहती है कि तेरे से तो कुछ होने नहीं वाला। अब दिक्कत क्या है ना, हम लोग के जो माँ बाप है वो 80-90 के जनरेशन वाले। कहा मैं दुनिया में ये बात किसी से भी डिस्कस कर सकती हूँ, आपसे कर सकती हूँ, अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकती। उसका बेटा ऐसा है, शर्मा जी का लड़का ऐसा है। अगर कोई अपने पेरेंट्स से ये बात भी नहीं कर पा रहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो सीखने की जरूरत इस बच्चे को है या पेरेंट्स को है। यार आज के इस वीडियो में हम लोग इसी प्रॉब्लम को डील कर रहे होंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज शुकुमार कर्णलियम पर सुख, मैं फाइनल ईयर ऑफ एमबीबीएस। यार पिछले 4-5 सालों से मैंने लाखों बच्चों को गाइड करा है, बहुत सारे बच्चों को उसके ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचाने में मदद करा है, और मेरे पीछे मेरी एक पूरी टीम होती है जो बहुत सारे बच्चों को हर रोज हर समय गाइड करते रहता है। यार आज के इस वीडियो में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि जनरली मार्च अप्रैल और मई के समय में बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं, क्योंकि ये जो समय होता है इसी में मैक्सिमम एग्जामिनेशन इंडिया में होता है। स्टार्ट करते इस वीडियो को, सबसे पहले आप ये समझो कि आखिर हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स दबाव क्यों बनाते हैं। पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर दबाव वो क्यों बनाते हैं। मैं जेन्युइन रीजन बता रहा हूं, मुझे कमेंट में लिखना कि क्या ये सही है या नहीं। हमारे पेरेंट हैं वो किसी के बच्चे होंगे। अब देखो होता क्या है ना कि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, अपने पेरेंट्स का सपना थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि वो पूरा नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ रिसोर्सेस, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके वजह से हमारे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स का सपना पूरा नहीं कर पाते। लेकिन हमारे पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, एक अच्छा लाइफ हमें देते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो सारी दिक्कत जो मैंने फेस करा वो नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स जो सपना शायद उनके पेरेंट्स देखे होंगे कि हमारा बच्चा लाइफ में थोड़ा अच्छा करे ये बने, अब वो तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करा, अब वो सपना क्या होता है कि हमारे ऊपर आ जाता है। अब देखो बहुत बार ये चीज वैलिड नहीं होता है। बहुत सारे फैमिली में ऐसा होता है कि पेरेंट्स वेल एडुकेटेड होते हैं, उनको लगता है कि नहीं जो हमारा बच्चा चाहेगा वही बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ होता है ऐसा, बट बहुत सारे विलेज एरिया में जहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली होता है वहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इसके वजह से क्या होता है, एक जनरेशन गैप है। इस जनरेशन गैप के वजह से क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये एग्जामिनेशन निकालेगा तभी मेरा बेटा सफल हो पाएगा, अगर मेरा बेटा पढ़ाई करेगा तभी सफल हो पाएगा, अगर डॉक्टर बना तभी सफल हुआ, इंजीनियर बना तभी सफल हुआ। लेकिन हमारे पेरेंट्स को ये नहीं पता है कि और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें वो सक्सेस होके पैसा कमा सकते हैं, सही से जिंदगी जी सकते हैं, हर वो सपना को पूरा कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा रीजन होता है जिसकी वजह से क्या चाहते हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम सक्सेसफुल हो जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम आईएएस बन जाओ, तुम आईपीएस बन जाओ, और इसकी वजह से वो थोड़ा बहुत दबाव बनाते हैं हमारे ऊपर। 7 पॉइंट बताऊंगा, सबसे लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन के जाना। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक इट इन अ गुड वे। मान लो कि तुमने मॉक टेस्ट दिया, उसमें बहुत कम नंबर आया, उन्होंने बोला यार 400 नंबर क्यों ला रहे हो, यार 300 नंबर क्यों ला रहे हो, और आप बोले कि पापा मैं कर नहीं पा रहा हूं ये वो, आप रीजन देते जा रहे हो। नहीं यार, आप ये सोचो ना कि हमारे पेरेंट्स क्यों बोल रहे हैं, आखिर हमें क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं इस वजह से। अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट में जाओगे तो आपको ये दिखेगा कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए ही बोल रहे हैं, वो किसी और के लिए नहीं बोल रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि आप सही से पढ़ाई करो, आप सही परफॉर्म करो, आप सही से स्कोर करो, आप पढ़ाई में मन लगाओ, ये चाहते हैं वो, और कुछ नहीं चाहते। आप थोड़ा सा सही एस्पेक्ट में जाओ ना, आप ये मत सोचो यार कि पापा आप सिर्फ मेरे पे प्रेशर बनाते हैं, आप एक खराब पेरेंट है, उसको देखिए वो एक मतलब मेरा वो दोस्त है उसके पापा बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके पापा ये करते हैं, कोई प्रेशर नहीं बनाते। आप कंपेयर मत करो। मैं अपना स्टोरी बताऊं, मुझे 1 मिनट देना, मैं अपना स्टोरी बताने जा रहा हूं। यार जब मैं नीट के समय प्रिपरेशन करता था, मेरा सिलेक्शन पहली बार में हुआ, और मैं अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता सकता हूं कि जो प्रेशर, जो मतलब कंडीशन मेरे पापा ने मेरे ऊपर दिया था, और आज मैं खुल के बोल सकता हूं कि वो बहुत सही था मेरे लिए। अगर नहीं होता तो शायद मेरा पहला बार में कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता। यार मेरे पापा भी बहुत बार टेस्ट में मार्क्स पूछते थे, है ना, बोलते थे कि बहुत गंदा नंबर आ रहा है तुम्हारा तो, है ना, तुम्हारे उस दोस्त का ठीक ठाक आ रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा है। और मैंने इस चीज को बहुत पॉजिटिवली लेता था यार कि हाँ यार मेरे पापा सही बोल रहे हैं, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास ये बुक्स भी है, मेरे पास कोचिंग भी है, मेरे पास टेस्ट भी है, मेरे पास सब कुछ है, बट फिर भी हम मार्क्स नहीं ला पा रहे, आखिर क्यों।
तो जब आप पॉजिटिव वे में लेना शुरू करोगे ना, तो आपको वो स्ट्रेस नहीं आएगा। स्ट्रेस दो टाइप का होता है मेरे दोस्त, स्ट्रेस दो टाइप का होता है, एक नेगेटिव स्ट्रेस और एक पॉजिटिव स्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेस लोगे तो तुम हमेशा डिप्रेशन में चले जाओगे, लेकिन अगर पॉजिटिव वे में अगर तुम स्ट्रेस को ले लिए तो उससे तुम्हारा डेवलपमेंट होगा। दोनों डी से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव स्ट्रेस या पॉजिटिव स्ट्रेस तुम्हारे हाथ में है। दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफाई द रीजन। आखिर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें क्यों स्ट्रेस दे रहे हैं, उस रीजन को पता करने की कोशिश करो। देखो मैं बहुत बार बता रहा हूँ कि हमारे पेरेंट्स ना होते ना किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं यार, कि फलनवा का बेटा है वो इतना अच्छा किया है, वो IIT निकाला है, उसका 80 लाख का पैकेज लगा है और तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है। अगर ये सब के वजह से तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें स्ट्रेस में डाल रहे हैं कि यार फलनवा का बेटा इतना किया, वो मैथ लिया था, IIT कर लिया है, 80 लाख का पैकेज लगा है, वो UPSC निकाल लिया और तुम क्या कर रहे हो, फालतू का बायोलॉजी लेके तुम क्या कर रहे हो। रीजन को देखो कि आखिर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें स्ट्रेस में क्यों डाल रहे हैं, ये तुम्हें खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्यों डाल रहे हैं। अगर रीजन ये फालतू का रीजन है तो भैया तुम्हें बस इग्नोर करना है, इस कान से सुनो इस कान से निकालो। देखो हमारे इंडिया में क्या है ना, ये बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी है जिसको कुछ नॉलेज नहीं है कि जिस एग्जाम का तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, IIT का प्रिपरेशन कर रहे हो, उनको बस इतना पता है कि वो आपके कॉलेज का क्लास का कोचिंग का फीस भर रहे हैं, आपका रिजल्ट बस देख रहे हैं, और ये बिल्कुल नहीं पता है कि आप मॉक टेस्ट में कितना स्कोर कर रहे हो, कितना लेवल है पेपर का, क्या सब्जेक्ट है, क्या टफनेस है, क्या कॉम्पिटिशन है, कुछ नहीं पता है, उन्हें बस ये पता है कि रिजल्ट चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में आपको थोड़ा बहुत इग्नोर करना, कोई बात नहीं, इग्नोर करने से कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से ऑनेस्ट रहो, आप खुद काम करो, बस इतना चाहिए। देखो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं कि हमारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, बहुत बार सही होते हैं। अगर आप हमारे पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट करते हो ठीक है, तो वो चीज और सीवियर हो जाता है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं कि दुनिया में सब आपसे फेक लव कर सकते हैं, झूठा प्यार, झूठा दोस्ती, झूठा दिलासा, लेकिन हमारे पेरेंट्स सबसे सही होते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लो कि अगर तुम नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो और ऐसा कोई कंडीशन आ जाए कि तुम्हारे पापा तुम्हारे पेपर को जाके लिख सकते हो और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा मेडिकल कॉलेज में, तो भैया तुम्हारे पापा ये भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम बता रहे हैं, तुम्हारे पापा तुम्हारा पेपर लिख के आ जाएंगे अगर ऐसा हो तो, और तुमको कॉलेज में पहुँचा देंगे। इसलिए यार हमारे पेरेंट्स सच में हमारे लिए चाहते हैं, और ऑनेस्टली बता रहे हैं, हमारे लिए चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम खुशी से ज़िंदगी जिए, एक सक्सेसफुल लाइफ जिए, अपने पापा से थोड़ा अच्छा करें। यार दुनिया में ना सारे लोग होंगे जो तुम्हें नीचे खींचने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना, तुम्हें अपने से नीचे रखने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन एक पापा ऐसा चीज़ है ना, एक पापा एक पेरेंट्स ऐसा चीज़ है ना जो चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर करो, आप उनसे बेहतर करो। तो कभी भी यार अपने पापा के साथ अपने पेरेंट्स के साथ आर्ग्यूमेंट मत करना, क्योंकि यार क्यों प्रेशर में वो डालते हैं, क्यों चाहते हैं कि सफल हो। मैं बताऊं, आज आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आज आप इंजीनियर बनना चाहते हो, है ना, ये तुम्हारे पापा का सपना था जिसको तुम पूरा करने में लगे हुए हो। पता है ये सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो सपना टूट जाता है, मान लो तुम पढ़ाई नहीं कर पाते हो, तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ तुम्हें हर्ट किया। पता है जब तुम पैदा भी नहीं लिए थे ना, उस समय से तुम्हारे पापा ये जी सोच रहे हैं कि तुमको लाइफ में आगे जाके ये बनाना है, डॉक्टर बनाना है, बहुत सालों से सोच रहे हैं, और वो सपना पूरा नहीं हो पाता, यार हर्ट तो होंगे ही ना, वो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा प्रेशर वो डालते हैं ताकि तुम पढ़ो, है ना। तो भैया अपने पेरेंट्स के साथ ना कभी आर्ग्यूमेंट मत करना। चौथा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे करते हैं जो अपने घर से दूर रहते हैं पापा को झूठ बोलते हैं, पापा कितना बेटा कितना नंबर आया, अरे पापा इस बार भी 400 नंबर आया, आया कितना है तो 300। ये झूठ जो आप बोलते हो ना, 400 बोले तो पापा क्या लगे, अरे यार अब 200 नंबर बस बढ़ाना, 200 नंबर इंप्रूव कर लेगा अब सिलेक्शन हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन हो जाता है भैया, एक्सपेक्टेशन हो जाता है। आप झूठ बोलोगे पापा से, पापा को एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, और ये चीज आप जब रिजल्ट नहीं होगा तो हर्ट करेगा आपको भी और आपके पापा को भी, और जब एग्जामिनेशन सबसे लास्ट समय आएगा ना तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे। आप सोचोगे यार कि हम अभी तक पापा को झूठ बोलते आए, मेरा तो उतना नंबर आ ही नहीं रहा, अब एग्जामिनेशन में रिजल्ट नहीं हुआ तो हम कैसे मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आपके माइंड में आने लगेगा,
बहुत सारा क्वेश्चन आने लगा। तो आप कभी भी अपने पेरेंट्स से झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। जो ही नंबर आता है बताओ, कम से कम वो एक्सपेक्टेशन तो नहीं आ पाएगा ना उनको, वो मान के चलेंगे ठीक है यार। लास्ट में मान लो कि झूठ बोले तुम, आ रहा है 300, बोल रहे हो 400, ठीक है क्या होगा, लास्ट में उनको लगेगा यार कि ठीक ठाक नंबर आ रहा था, नहीं हुआ, एक बार और ट्राई करो बुआ, एक बार और ट्राई करो, फिर नहीं हुआ बुआ, एक बार और ट्राई करो, आप बहुत नज़दीक हो। लेकिन तुम अगर पहली बार ही बोल देते पापा मेरे को इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बहुत कम नंबर आ रहा है, तो पापा शायद छोड़ देते, पापा को लग जाता है हाँ यार शायद इंटरेस्ट नहीं है, इसके लायक ये नहीं है, छोड़ो हटाओ। लेकिन आप झूठ में डाल रहे हो कि पापा 500 आ रहा है, पापा क्या सोच रहे हैं, अरे यार 600 में तो बस 100 नंबर ही कम है, हो जाएगा करो बउआ करो, ये स्ट्रेस में डाल देता है। तो आप कभी अपने पेरेंट्स से झूठ मत बोलो, कुछ भी हो जाए आप शेयर करो, बात करो, लेकिन झूठ मत बोलो। समझ में आ गया ना? और तीसरा वही पॉइंट मैं बता रहा हूँ, टॉक टू योर पेरेंट्स, आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो। यार मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, जब आप सफल नहीं होगे, कुछ गलत रास्ते पे जा रहे होगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको गलत डायरेक्शन में ले जाएंगे, अगर सफल नहीं हुए तो मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपके पापा ही एक ऐसे चीज है ना जो शायद आपको थोड़ा बहुत सहानुभूति देंगे, कुछ देर के लिए वो हर्ट होंगे मैं मानता हूँ, लेकिन कभी भी आपको अपने घर से वो बाहर नहीं भगाएंगे। हमारे इंडिया में बहुत सारे बच्चे ना ये सोचते हैं यार कि अगर नहीं हुआ तो मेरे पापा ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा यार, वो तुम्हारे पापा है, आप ये सोच रहे हो और इसके वजह से आप स्ट्रेस में आ रहे हो, आपको ये नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करना है, आप जो प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो उसको शेयर करो, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस आपके पेरेंट्स के पास है उतना शायद आपके कोई दोस्त के पास नहीं है जिस पर आप भरोसा कर रहे हो, ठीक है। और डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का, मान लेते हैं यार तुम्हारे पापा तुम्हें ये बोल दिए कि बेटा अभी तुम्हारा 400 आ रहा है, तुम 600 ला सकते हो, भाई क्यों नहीं ला सकते हो, आखिर क्या कमी है तुम में। मान लेते हैं तुम्हारे पेरेंट्स तुमको किसी और से कंपेयर कर रहे हो, क्यों नहीं तुम वैसा बन सकते हो, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं बन सकते हो, तुम्हारे पास पढ़ाई करने के लिए रिसोर्स है, तुम्हारे पास बुक्स है, कोचिंग्स है, सब कुछ है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पैसा दे रहे हैं, एक हॉस्टल दे रहे हैं, एक सही लाइफ दे रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते हो, कुछ तो कमी होगा, कुछ तो कमी होगा तुम्हारे बीच में और तुम्हारे क्लास के वो टॉपर्स के बीच में, आखिर क्या कमी है, उसको खोजो ना, उस पर काम करो ना, क्यों नहीं कर पा रहे हो, कुछ तो रीजन होगा ना, बस ये क्यों अगर तुम खुद से पूछ लिया ना तो शायद तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा और हिम्मत मिलेगा। यार मैं बता रहा हूं कि दुनिया का कोई एग्जामिनेशन मैं कर सकता हूं, कोई और कर सकता है, तो तुम भी कर सकते हो, देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन ब्रेन्स। समझ में आया ना, समझ में आया मेरी बात कि भाई आखिर तुम क्यों नहीं कर पाओगे। डोंट अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम 400 ला सकते हो, तुम 600 ला सकते हो, ला सकते हो यार, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम बायोलॉजी ले लिए तो अब तुम पूरा अपना लाइफ खराब कर लिए। नहीं यार, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था बायोलॉजी में, सच बता रहा हूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं था, 0% 10th तक। जैसे मैंने बायोलॉजी लिया क्लास 11th में, फिर ऐसा इंटरेस्ट में दिखाया ना कि यार एक बार में नीट क्रैक कर लिया। भाई सब कुछ कर सकते हो तुम, तुम्हारे अंदर सब कुछ है, बस ये स्ट्रेस जो चीज़ आप सोच रहे हो कि भैया प्रेशर बना दिया हमारे ऊपर पेरेंट्स, कुछ नहीं यार, इसको पॉजिटिवली थोड़ा लो ना, पॉजिटिव एस्पेक्ट से थोड़ा सोचो ना, आपको सॉल्यूशन दिखेगा। समझ में आया? अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगा, जो आप हमें बोलोगे भैया मैंने सब कुछ किया, बहुत मेहनत किया, बहुत सेक्रीफाइस करा, सब कुछ करा, वो सारी चीज़ें करा जो शायद करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा लक साथ नहीं दिया, जो भी फैक्टर था मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, भैया अब मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोलूँगा। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे इस मेहनत को ऑब्जर्व किए, तुम सच में अगर मेहनत किए हो और इस मेहनत को तुम्हारे पेरेंट्स ऑब्जर्व किया है, तो मैं 100% श्योर हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, हो सकता है कि वो टेम्पररी थोड़ा बहुत हर्ट होंगे क्योंकि उनका सपना टूट गया, हो सकता है तुम भी थोड़ा बहुत हर्ट होगे, सब होगे, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ कर देंगे, तुम्हें घर से भगा देंगे, तुम्हें खाना नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे अंदर तुम्हारे दिमाग में ऐसी चीज़ें ऐसे बातें चलती हैं, ठीक है। तो भैया ये कुछ 6 पॉइंट मैंने आपको बताया, इस 6-7 पॉइंट के मदद से आप अपने ऊपर से ये पेरेंट्स का स्ट्रेस को कम कर सकते हो। और एक बात मैं सारे पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि देखिए, आपका बच्चा मान लीजिए कभी सफल नहीं हो पाता है और सफल रह जाता है,
तो दुनिया में हजारों लोग हैं जो शायद आपके बच्चे का पैर खींचेंगे, मजाक बनाएंगे, ताना देंगे, नहीं कर पाया ये वो बहुत बोलेंगे। शायद आपका एक वर्ड जो होगा ना, सहानुभूति वाला वर्ड, यार कोई बात नहीं, नसीब में नहीं था, ठीक है छोड़ो, वो काफी होगा उसको दोबारा से और हिम्मत देने के लिए। चंद्रयान टू मिशन जब लॉस हो गया था, खत्म हो गया था, सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे ना, वो साइंटिस्ट को गले लगाए थे, और आज चंद्रयान 3 चांद पे है। तो असफलता जो होता है ना, वो लास्ट नहीं होता है। लोग एक बार असफल होते हैं, फेलियर होते हैं, उससे बहुत कुछ सीखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस पर एक नेगेटिव प्रेशर ना क्रिएट करें, दोबारा चांस दे और आपका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेगा, एक पॉजिटिव होप दे। तो लास्ट पॉइंट बताऊंगा कि आप नॉलेज के लिए पढ़ाई करो, कुछ सीखने के लिए पढ़ाई करो, एग्जामिनेशन के लिए नहीं, सिलेक्शन के लिए नहीं। यार एग्जामिनेशन सिलेक्शन ये सब आउटकम है। आप सोचो एक बार आपको बायोलॉजी में समझ में आ गया, यार ये बैक्टीरिया कितना मस्त होगा, यार ये साइंटिस्ट ने इस बैक्टीरिया को खोजने में कितना मेहनत किया होगा, यार ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन कितना अच्छी चीज है, सब कुछ आपको लगेगा यार कि कितना अच्छा है साइंस, और आप इसको स्ट्रेस में आके ले रहे हो। बहुत नॉलेजेबल बातें हैं जो हमें आज भी जानना है, ठीक है। तो यार आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा, बहुत कुछ सीखा होगा, और कमेंट से मुझे ये लिखना कि आपने क्या सीखा। और हाँ, अगर कोई बच्चा स्ट्रेस में है तो इसको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा चैनल सही लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अदरवाइज नो इश्यू। थैंक यू।